वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कल एनडीए सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करने वाली हैं। ये वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इस बजट से हर तबके को बड़ी उम्मीदें हैं। कौन क्या उम्मीद लगाए बैठा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश होने वाला है। पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री के पिटारे पे है। वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा तो किसको क्या मिलेगा, क्योंकि उम्मीदें सभी लगाए बैठे हैं। हर किसी को उम्मीद है कि वित्त मंत्री के पिटारे से उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। इस बार उम्मीद बढ़ने की बड़ी वजह ये भी है कि इंडियन इकोनॉमी का प्रदर्शन शानदार है, सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं। ऐसे में उम्मीद है कि वित्त मंत्री सभी सेक्टर का ध्यान रख के विकास को बढ़ावा देने वाला बजट पेश करेंगी। बजट से बड़ी उम्मीद, रोजगार सृजन पे जोर दिया जाएगा, इनकम टैक्स में राहत दी जा सकती है, ज्वेलरी मांग बढ़ाने वाला होगा बजट, ऑनलाइन गेम्स पे घटेगी जीएसटी, आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित होगा। मोदी ने बजट सत्र का माहौल सेट कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि बजट कैसा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम मजबूत बजट पेश करने वाले हैं, जो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्ष हमारे लिए बेहद खास है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। इस बजट से आम जनता के साथ सभी सेक्टर को काफी उम्मीद है। आम जनता को जहां एक तरफ टैक्स छूट की उम्मीद है, वहीं किसान, महिलाएं और व्यापारी भी अपनी अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। किसानों की मांग, कृषि यंत्र पे जीएसटी खत्म हो, खाद डीएपी पे सब्सिडी मिले, गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए, केसीसी ब्याज मुक्त हो। व्यापारियों की मांग, पुरानी इंडस्ट्री को बजट मिले, साइकिल से जीएसटी खत्म हो, बैंक लोन का सरलीकरण हो, व्यापारियों को टैक्स से राहत मिले, महिलाओं को उम्मीद, गैस सिलेंडर सस्ता हो, महंगाई पे लगाम लगे, तेल और दालें सस्ती हों, स्वरोजगार पे फोकस हो, कपड़ा हस्तकला उद्योगों को बढ़ावा मिले। देश का बजट पेश होने जा रहा है, ऐसे में देश के लोगों को इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं, हम बातचीत करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उम्मीद है इस बार बजट से आप लोगों को? हमें उम्मीद ये है कि जो 2 कार्यकाल से हुआ उससे बेहतर बजट पेश किया जाएगा और उसको पास भी किया जाएगा और उसको स्वीकार भी किया जाएगा।
क्योंकि हमें मोदी सरकार पर पूर्ण यकीन है, क्योंकि आज तक जब से मोदी सरकार भारत में आई और केंद्र में शासित है तब से कोई भी गलत काम ना हुआ ना हो रहा, और गलत कामों पर अंकुश लगाया गया, उनको बिल्कुल नष्ट कराया गया। वो किसी भी तबके का को किसी भी विभाग का कार्य देख लो, आज यहाँ भ्रष्टाचार खत्म जीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है, आतंकवाद जीरो की तरफ जा रहा है, और जो छिन्ना झपटी थी वो जीरो की तरफ जा रही है, जो लूट मार थी वो जीरो की तरफ जा रही है, यानी कि हर चीज़ जीरो की तरफ जा रही है। हमें पूर्ण यकीन है मोदी जी पे, जो भी होगा वो पहले में क्या बजट में क्या चाहते हैं आप लोग, बजट में क्या चाहते हैं? बजट में हमको सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद जो शिक्षा की बात किसान पे ध्यान देना चाहिए, उस पर जो मूलभूत जो सुविधा है, जो रसोई तक जाते हैं, जो दाल हो, चावल हो, आटा हो, तेल हो, नून हो, इस पर सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ताकि गरीब तबके के लोग हैं जो परेशान ना हो, वो गरीब से ऊपर उठने की कोशिश करें। आप चाहे दूध के दाम बढ़ा देते हो, पेट्रोल के दाम बढ़ाते हो, डीजल के दाम बढ़ाते हो, इस सब मूलभूत जो चीज़ है इस पर सरकार को बिल्कुल नज़र रखना चाहिए, इसको थोड़ी सी उसमें लेके चलना चाहिए, तो आने वाले समय में गरीब तबके को नमक रोटी मिलना चाहिए टाइम से, ताकि आप दाल के दाम बढ़ाते हो, आटे के दाम बढ़ाते हो, जो चीज़ के भी दाम बढ़ाते हो तो गरीब आदमी बहुत नीचे चल जाते हैं। इसलिए सरकार को सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा दोगे तो आजकल टेक्नोलॉजी के जमाना है, सब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। उसके बाद जो है सबसे पहले गरीब आदमी पर ध्यान देना चाहिए, चाहे गैस की वगैरह हो, ये सब के रेट को बिल्कुल वो कम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो जमीन पर जो गरीब आदमी है उसको नमक रोटी टाइम से मिले। अच्छा, आप एक युवा हैं, इस बार का बजट जो पेश होगा एक युवा के तौर पर आप क्या देख रहे हैं, क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए, युवा सबसे पहले जो बात करता है वो शिक्षा और रोजगार का बात करता है, और देश का युवा इस समय इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इस समय उत्साहित है कि इस बार का जो बजट है वो पूर्ण रूप से हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नए नए सरकार कदम उठाएं, और जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अपने बजट के हिसाब से जो भी चीज़ें सैंक्शन करनी है, उनको जो भी पैसा सैंक्शन करना है, जो भी नए कानून और जो भी चीज़ें बनानी है शिक्षा को लेकर, वो उस पर काम करे। और दूसरी जो चीज़ है वो है एमएसएमई यानी कि लघु उद्योग। अगर सरकार देश के गरीबों के बारे में नहीं सोचेगी, देश के निम्न वर्ग के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि निम्न वर्ग के लोग जो है सबसे ज़्यादा लघु उद्योग में जुड़े हुए हैं, तो अगर लघु उद्योग में सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, लघु उद्योग के लिए सरकार अगर सोचती है, तो कहीं ना कहीं देश के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो एक खाई बनता जा रहा है अमीरों और गरीबों के बीच में, वो दूर करने में सहायक होगा। और शिक्षा के लिए तो बात हम कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा अगर देखो किसी दुनिया में या फिर किसी भी कंट्री में आप देखोगे, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है शिक्षा को लेकर। अगर शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो तभी एक सुचारू रूप से चल पाएगा जब देश का युवा वर्ग शिक्षित होगा और वो अर्निंग कर पाएगा। अच्छा, महंगाई कंट्रोल हुई है इस सरकार में, आप लोगों को लगता है? बिल्कुल, महंगाई स्थिरता में है, और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ दर जो है 7% है, पूरी दुनिया में मतलब हाई मची हुई है, और हमारा देश जो है तरक्की कर रहा है, तो मोदी राज में ही संभव हो सकता है, क्योंकि जो काम ईमानदारी से करेगा ना, पीएम ईमानदार हो। वाजपेयी टाइम पे हमने विकास का मॉडल देखा था, आज मोदी मॉडल देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छा है मोदी और योगी मॉडल जो है, बहुत अच्छा है। यूपी में अच्छा भी काम हो रहा है, यूपी में आप देख रहे हो, तो बजट भी अच्छा होना चाहिए। और हमें चाहते हैं सरकार से जो किसान निधि है, गरीब किसान है उनको बढ़ाई जाए, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका भी टैक्स दायरा 5 लाख से ऊपर होना चाहिए, और बाकी जो महंगाई थोड़ा बहुत मतलब कभी कभार हुआ इनकी स्थिरता ही रहे, ज़्यादा महंगाई कोई नहीं, लेकिन जो अन्य लोग जो जैसे स्टॉक कर देते हैं, बड़े धनवान किसान हो चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, स्टॉक कर देते हैं किसी चीज़ का, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को ये देखना ही चाहिए। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। महंगाई कंट्रोल हो सभी लोग कह रहे हैं, कैसे महंगाई कंट्रोल होगी, बजट में क्या खास आएगा ऐसा कि महंगाई कंट्रोल हो जाए? महंगाई क्या है, एक तो सबसे बड़ी क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई का भी बहुत फर्क पड़ता है मार्केट के अंदर। अगर आज उसी को लेने वाले जैसे आलू टमाटर है, उसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा है, मगर उसका प्रोडक्शन कितना है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ये चीज़ भी हमारे देश के अंदर काफ़ी हो रही है। सबसे बड़ा तो मैं कहता हूँ कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आप देख रहे हैं कि लोगों का यही कहना है कि जो बजट है वो गरीबों के लिए होना चाहिए, वो आम लोगों के सहूलियत के लिए होना चाहिए, और सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश होना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। पिछले वित्त वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी है, लेकिन निजी उपभोग खर्च में बहुत कम 4% की बढ़ोतरी हुई है। निजी उपभोग पे खर्च में कमी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब ऐसे में सरकार केंद्रीय बजट में इसका समाधान निकालने पर जोर दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।